दोस्तों आज हम फिर से एक गन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देख सकते हैं हमारा जो पैकेज है वो आ चुका है। पिछले बार हमने मंगाया था पाकिस्तान से और इस बार आया है हमारा चाइना से। ठीक है, तो हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग और फिर से हमारे पास वही पुष्पा मूवी में जो इस्तेमाल हुआ था प्लेट, वही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो गन है वो सामने की ओर यहाँ पे है। चलिए प्लेट साइड में रख देते हैं और ये है इसका बॉक्स का पैकेजिंग। आप देख सकते हैं चाइनीज़ में यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है और ये प्लेग्राउंड, अच्छा प्ले एंड नॉन बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी, और ये 18 प्लस है तो आप सावधान रहेंगे, जो 18 से मतलब नीचे है वो इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते हैं और इसके लिए कोई लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो देख सकते हैं क्या अटैची मिला भाई, मस्त एकदम। चलो इसको फटाफट ओपन करते हैं। तो ये रहा बॉक्स, देख सकते हैं इसका जो पैकेजिंग है भाई बहुत ही भयानक है, बहुत ही मस्त है। अब इसका देख सकते हैं लुक भाई, एक ही नंबर लग रहा है, मस्त एकदम शानदार लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पे लेजर दिया हुआ है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निकल जाता है और बाकी आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है ये, तो इस टाइप का अच्छा ही लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं खूबसूरती तो भाई है, एक नंबर का खूबसूरती यहाँ पर है। और अब हम आगे बात करते हैं इसका, लेकिन वेट जो है ना काफ़ी अच्छा खासा वेट लग रहा है और ये गन मतलब भाई लगेगा, मतलब आप इससे वीडियो वगैरह बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं बुलेट्स इसमें कौन कौन सा सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है, ये वाटर बबल है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बच्चों को चोट नहीं लगेगा। तो इसमें आप बच्चे भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये जो है भाई इससे तो बड़े ही खेलेंगे क्योंकि इसमें चोट वोट लग जाता है। तो चलिए अगर मैं आपको बताता हूँ इसका कोई मैकेनिज्म है, किस टाइप से काम करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है, इसको हम लपट ये, तो यहाँ से आपका बुलेट जाएगा अंदर और उसके बाद फिर आप इसको रिलोड करेंगे और उसके बाद फिर मारधार करना है। तो बुलेट तो हमारे पास पहले से ही, आपको पता ही होगा पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो चलिए हम ऐसे बुलेट डालते हैं, उसके बाद ये रिलोड करने के लिए क्या करना, हल्का सा इसको नीचे साइड रखना है, उसके बाद इसको ये खींचना है, उसके बाद आप चाहें तो फायर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फायर नहीं करने वाला हूँ। याद है ना पिछले वाला वीडियो कितना भयानक लगा था। तो चलिए हम यहीं पे फायर करते हैं, ये जो प्लास्टिक दिया हुआ है इसमें देखते हैं ये छेद होता है कि नहीं होता है भाई। चलिए इस बार ये, तो इसको छेद करके आप देख सकते हैं ये पार हो चुका है, आपको दिख रहा है ये छेद करके पार हो गया। फिर से करते हैं इसको, ये ऊपर करना है ये ऐसे, और फिर से यहाँ पे हिट करते हैं तो ये फिर से यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फाड़ के पार हो गया। तो इस टाइप से अच्छा खासा इसका जो पावर है एकदम सही लग रहा है। फिर से एक बार हम करते हैं, नहीं अबर आया ही नहीं, अबर है शायद, लोडेड है तो सामने से पार नहीं हुआ, हल्का सा दूर से। एक और अभी गोली है यहाँ पे, तो ये देखिए ये पार हो गया, पूरा पूरी पार हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कितना भयानक फाड़ दिया है, ये देखिए दिख रहा है, तो इसको पूरा छेद करके पार हो गया। तो इससे तो आप बच के रहेंगे, बाकी ये हमें मिलता है इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे आप बच्चे भी खेल सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट हम निकाल लेते हैं। ओ भाई भाई सब इधर उधर चला गया, कोई नहीं। तो कुछ हम ले लेते हैं और इसको साइड में रखते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब पानी से ये बनता है ना, पानी में फुला करके आप इसको ये कर सकते हैं, आता है इसके लिए स्पेशल, आप अमेजन पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस गन का जो है आपको बाइंग लिंक वो भी मिल जाएगा, वैसे ये मेड इन चाइना है, वो भी मेड इन चाइना ही था, भले मैंने पाकिस्तान बोल दिया था। चलिए ये हो गया, आपको सेम चीज़ करना है, ये ऊपर साइड करके रिलोड करना। अब तो इसको हाथ में हम ले ही सकते हैं, तो देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इससे चोट नहीं लगता। ये तो पूरा यहीं पे फूट गया भाई, ये देख सकते हैं ये किस प्रकार से ये टूट जा रहा है। तो बच्चों को इसमें ना चोट नहीं लगेगा, दिक्कत नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पे टूट के पूरा बिखर गया, ये नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा। इसमें मार के देखते हैं कुछ होता है, रिलोड नहीं हुआ था,
तो देख सकते हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चोट नहीं लगेगा बच्चों को, तो बच्चे इससे खेल सकते हैं। इसमें मतलब कि डबल है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और जो गन है ये इस टाइप का जो आता है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप रिलोड करोगे, जैसे कि ये है, इसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, बाकी और भी लगा सकते हो, और चलो एक और लगा ही देते हैं। तो इस प्रकार से ये लग जाता है, और इसको यहाँ पे लगा करके बस, उसके बाद इसको नीचे रखो, ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है ये, और उसके बाद बस फायर। तो ये भाई बहुत तेज़ आता है, इसलिए इसको यहीं पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फास्ट है ये वाला। तो अगर आप वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन दिखने की खूबसूरती की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, और ये जो है ये नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन हाँ, इसमें आप पूरा एक्शन दे सकते हैं कि चलो भाई ये रिलोड हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे फायर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये मतलब ना बहुत ही जल्दी ये पूरा छेद करके निकल जाता है, ये देख सकते हैं बहुत ही फास्ट, और ये स्पीड है इसमें। तो इससे भी बच करके रहेंगे, चोट लगता है, जो AK-47 था ना, हमने अनबॉक्सिंग जो किया था, एकदम सेम पावर के साथ आता है ये भी। तो भाई बच्चों को दूर रखना है ये सब गन से, बाकी बच्चों के लिए ये गन ठीक है, और इसमें मतलब कि एमओ जो है बहुत ही ज़्यादा आप डाल सकते हैं, बाकी इसमें चोट नहीं लगता, देख सकते हैं इस टाइप का आपको बुलेट्स मिलता है। तो ये इजीली मतलब हाथ में इसको टच करें या कहीं बॉडी पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये फूट फूट जाता है, ख़त्म हो गया, तो ये इजी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा हैवी वेट है, और इस ये जो है थोड़ा लाइट वेट है, तो अगर बात करें ना वेट में तो दोगुना वेट होगा इसका, ठीक है। बाकी लुक के मामले में आप तो देख ही सकते हैं कि किसका लुक कैसा है, आपको कौन सा गन कैसा लगा, आपको जो खरीदना है आप खरीद सकते हैं। दोनों का जो लिंक है, बाइंग लिंक, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मैं इसको बाहर जाकर टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, सारा कुछ तो आपको पता चल ही गया होगा। वैसे ये इतना फास्ट नहीं है जितना कि AK-47 था, ठीक ठाक है, लेकिन हाँ चोट लगेगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।